हेलो दोस्तों दोस्तों गेमिंग की दुनिया हमारी लाइफ में एक अलग जगह बना चुकी है। आप लोग भी कोई ना कोई गेम जरूर खेलते होंगे। अगर आप स्टडी करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तब भी आप खाली समय में गेम खेलना ही पसंद करते होंगे। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में टॉप 5 गेम्स के बारे में बताते हैं। आपको पता ही होगा कि फेमस गेम पबजी इंडिया में बैन हो गया है, हालांकि लोग अब भी दूसरे सर्वर से पबजी खेल रहे हैं। नंबर 5, GTA सीरीज। दोस्तों GTA सीरीज में सबसे पहले 90s के दशक में GTA का गेम लॉन्च हुआ था, जो कि PC गेम था। यह गेम काफ़ी पसंद किया गया था। 1997 में GTA लंदन गेम आया, जो कि गेमर्स के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। यह गेम भी PC में खेले जाने वाला गेम था। इसके बाद GTA के बहुत से गेम आए, पर 2001 में GTA का वाइस सिटी गेम आया, जिसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है। आप लोगों ने बचपन में यह गेम जरूर खेला होगा, काफ़ी पॉपुलर गेम था। यह GTA गेम्स के लेजेंडरी में से एक है। दोस्तों इसके बाद GTA San Andreas और कई अन्य गेम आए, जो गेमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर आया GTA 5, जो कि 2013 से 2018 के बीच रिलीज हुआ था। यह गेम ज़रूर आप लोगों का भी पसंदीदा गेम होगा। यह PC गेम है। इस गेम की ग्राफिक्स काफ़ी शानदार है, इसका गेम प्ले तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक के GTA सीरीज में सबसे अच्छी ग्राफिक्स GTA 5 की है, और गेमर्स इस गेम को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नंबर 4, दोस्तों अब आते हैं फ्री फायर पर। इस गेम ने भी करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रखा है। दोस्तों यह गेम नवंबर 2017 में आया था। 2017 से पहले एंड्रॉयड और iOS किसी में भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम का कोई भी नामो निशान नहीं था। यह गेम गैरिना कंपनी ने डेवलप किया, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। दोस्तों इस कंपनी ने काफ़ी दिमाग लगाया इस गेम को बनाने में। काफ़ी कम साइज़ का यह गेम और ज़बरदस्त ग्राफिक के साथ यह गेम उन लोगों के लिए बनाया गया जो महंगे मोबाइल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वे भी इस गेम को खेल पाए। यह गेम वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस बन गया। लोग इस गेम को काफ़ी खेलना पसंद करते हैं। यह गेम इतना पॉपुलर है कि गूगल प्ले स्टोर पर इसके 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। अगर आप महंगा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते तो यह गेम आप ज़रूर ट्राई करें। नंबर 3, दोस्तों अब आते हैं COD मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी पर। दोस्तों इस गेम के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। वर्ल्ड वाइड इस गेम के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। इस गेम को ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है। इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी बेहतरीन है। इस गेम का फर्स्ट वर्जन कॉल ऑफ ड्यूटी अक्टूबर 2003 में रिलीज़ किया गया था, लेकिन बाद में इसका लेटेस्ट वर्जन कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर अक्टूबर 2019 को रिलीज़ किया गया। यह गेम पबजी से काफ़ी सिमिलर है। इस गेम में भी आपको पबजी की तरह TDM और क्लासिक मोड मिलेंगे। पबजी बैन के बाद मैक्सिमम गेमर्स इस गेम पर शिफ्ट हो गए। काफ़ी पसंदीदा गेम है, आपको भी यह गेम जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों अब आते हैं अमंग अस पर। शायद आपने यह गेम खेला होगा या फिर इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। काफ़ी मज़ेदार गेम है। यह गेम अमेरिका में डेवलप हुआ इनर स्लॉथ कंपनी के द्वारा। इस गेम को जून 2018 में रिलीज़ किया गया था। यह एक एंड्रॉयड iOS और PC गेम है। इस गेम के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। आपको यह गेम जरूर ट्राई करना चाहिए। पबजी बैन के बाद बहुत से गेमर्स इस गेम पर भी शिफ्ट हो गए। नंबर 1, फाइनली अब आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, पबजी पर। यह गेम आप जरूर खेलते होंगे, काफ़ी पॉपुलर गेम है। गेमर्स इस गेम को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यह एक बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को पबजी कॉरपोरेशन और साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया। इस गेम को पहले PC के लिए बनाया गया था, जिसे दिसंबर 2007 में लॉन्च किया गया था। फिर मार्च 2018 में इस गेम को एंड्रॉयड और iOS में रिलीज़ किया गया। इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त है। यह एक मल्टीप्लेयर गेम है। आप अपने दोस्तों को ऐड करके यह गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको गेमिंग की दुनिया कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।